और ये एक्चुअली भगतपुर का बाईपास है, यह देख सकते हो ये भगतपुर रोड है और यहाँ से ISBT और हम लोग जाएंगे उस तरफ सुनावरी घाट होके जाएंगे। भाई साहब डेस्टिनेशन तक पहुँचने से पहले मेरा चीता गंदा हो चुका है। सो ऑल सेट गाइस, ऑल सेट देख सकते हो, हेलमेट पे माउंट बिठा दिया है, ग्लव्स वगैरह ले लिया है, बाइक को भी स्टार्ट करना बाकी है, बाइक तो पहले वॉश किया था, देख सकते हो गाइस। सो वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, दिस इज निक्शन और आप देख रहे हैं निक्शन्स ब्लॉग गाइस। और सडन प्लान हुआ है, एक्चुअली आज संडे है तो संडे में तो एक राइड बनता है, तो सडन प्लान हुआ है। दादा ने कॉल किया है कि भुवन के साइड में एक झरना है, वाटरफॉल्स है एक्चुअली, तो वहाँ जाने का प्लान है और साथ में एक म्यूज़ियम है बराक म्यूज़ियम, तो वहाँ पर घूमेंगे एक्सप्लोर करेंगे। तो इसी कारण अभी फ़िलहाल मैं तो जा रहा हूँ पेट्रोल पंप, बाइक पे फ्यूल डलवाना है, फ्यूल डलवा के दादा का वेट करते हैं, ठीक है। तो चलो मोटर ब्लॉक सेटअप पे मिलते हैं। तो फाइनली अभी राइड स्टार्ट कर दिया है, सबसे पहले तो मैं जाने वाला हूँ पेट्रोल पम्प फ्यूल डलवाने भाई, क्योंकि सडन प्लान हुआ है तो कहाँ से कहाँ जाऊँगा, तो बाद में फ्यूल नहीं रहेगा तो मेरा चीता रुक जाएगा ना, तो इसी कारण फटाफट से फ्यूल डलवा देते हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ जाएंगे। तो वंस अगेन गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, और सपोर्ट बनाए रखना गाइस, तो अच्छा अच्छा कंटेंट लाने का मोटिवेट मिलेगा मुझे, आप लोगों के सामने अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लेके आऊँगा, ठीक है। तो गाइस फ्यूल डलवा के मैं अभी आ गया हूँ बाईपास रोड, और ये एक्चुअली भगतपुर का बाईपास है, यह देख सकते हो ये भगतपुर रोड है और यहाँ से ISBT और हम लोग जाएंगे उस तरफ सुनावरी घाट होके जाएंगे। भाई साहब डेस्टिनेशन तक पहुँचने से पहले मेरा चीता गंदा हो चुका है, सुबह से आप कहते भाई रोड पर इतना कीचड़ है तो अभी वो गंदा हो चुका है, और सुनावरी रोड होके जाएंगे तो पूरा पानी पानी है और कीचड़ है, इसी कारण मैंने दादा को कहा है कि बाईपास होके आने के लिए, और यहाँ पर मैं अभी दादा का वेट कर रहा हूँ बाईपास पर। और ये देख सकते हो भाई चीता गंदा हो चुका है फिलहाल अभी, और मॉडिफिकेशन करवाया एक्चुअली मैं, नंबर प्लेट का मॉडिफिकेशन करवाया, अभी लुक्स काफ़ी कतई जहर लग रहा है, लुक्स देख सकते हो भाई। मतलब झपकते ही हम लोग नहीं, फिलहाल मैं अकेले हूँ, पहुँच गए हूँ काबू गंज, तो काबू गंज पॉइंट में मैं दादा के लिए वेट करने वाला हूँ, वो बहुत पीछे रह गया, तो एक बार कॉल कर लूँगा कि वो अगर इसी रोड से आएगा तो मुझे यहीं मिलेगा, वरना अगर सुनाई होके जाएगा तो भाई साहब बहुत घूमना पड़ेगा उसको, तो सामने पॉइंट पर जाके कॉल कर लेता हूँ, कॉल करके एक बार चेक कर लेता हूँ कहाँ पर है क्या नहीं, क्योंकि अगर सब भटक जाएंगे ना गाइस तो ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल होगा, तो उसी सामने जाके पॉइंट पे रुकते हैं, ठीक है ना। पॉइंट पे मैं काम करता हूँ, सेंटर पे जाके रुकता हूँ तो वो देख पाएगा मुझे। We go.
हो गया दादा का, तो अभी निकल रहा हूँ इस जगह से, तो फटाफट से भाई जाते, ज़्यादा लेट हो चुका है भाई, टाइम ज़्यादा लेट हो चुका है, फटाफट से इंडियन की तरफ ही चलते हैं, ठीक है। ज़्यादा लेट हो चुका है भाई, क्या बताऊँ। छोटा सा ब्रिज है भाई, काबूगंज क्रॉस करके आने के बाद यही ब्रिज जो है बहुत छोटा। लेफ्ट लेके अभी हम लोग इसी रोड से जा रहे हैं भाई, काफी अप एंड डाउन। ओप्पो ओप्पो अधिका कोई लगा म्यूजियम है दिखे ना, म्यूजियम जाने ना अभी। अंकल म्यूजियम कहाँ पर है? सामने। कितना दूर है यहाँ से? सैनबुड है। हेलो जी भाई, म्यूजियम ढूंढने में भी इतना लेट हो चुका है, लेकिन भाई मज़ा आ रहा है बहुत बहुत मज़ा। तो लो जी गाइस, वो म्यूजियम तक पहुँच गए हम लोग। तो ये है बड़ा म्यूजियम, तो बाइक को लेके चलते हैं भाई साहब। बड़ा म्यूजियम पर हम लोग पहुंच गए हैं भाई साहब। तो फिलहाल तो ये बंद है शायद, यहाँ पर बाइक को पार्क कर देते हैं। In the still of the night, gazing up at the sky, when the stars began to fade, dimming lanterns in our eyes, thought there was nothing to find, I stopped searching for a reason, just let the world embrace us, in the silence we are one. Can't escape from this feeling inside you, release from heartache, you'll be fine. When the cracks start to light, you run life through, I'll be there to help you shine.
सोचा नहीं था, हम लोग बड़ा मेरी मिली एक म्यूजियम है वो, आज म्यूजियम आने का मौका मिला है और म्यूजियम मुझे एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्या क्या है का नाम से मुझे नहीं पता, तो जस्ट सिनेमेटिक आप लोग इन्जॉय कीजिए। Promise you this, as long as you're looking, you'll see the signs. Just for a moment, a flash of light, you'll never forget. I heard you crying aloud, and a part of me cried with you. I finally see why all the me tears fall out of you. Can't escape from this pressure inside you. But tonight the stars align. When the cracks start to let your own light through, I'll be there to help you shine. तो दी नहीं ड्यूके माता लगाई सचिता और बिस्ट लेके डायरेक्ट पहुंच गए भुवन पहाड़ के ओर और इतना तक ये रोड बनाए और आगे तो पैदल जाना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से रिटर्न होंगे, अभी भुवन पहाड़ तक नहीं जाएंगे। देख सकते हो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर अभी भी। सो गाइस यहाँ से नज़ारा कुछ देख सकते हो गाइस, काफ़ी मज़ा आ रहा है भुवन पहाड़ के ऊपर से। तो गाइस पहली बार मैं इसी जगह पर आया हूँ भुवन पहाड़, और यहाँ से एक्चुअली मेन जगह और ऊपर है, तो इतने तक ही आया हूँ बाइक लेके। अभी फ़िलहाल वहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि रोड पूरा बना नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा, बहुत दूर है। तो यहाँ से ही रिटर्न होंगे। एक्चुअली जाने वाले थे हम लोग वाटरफॉल्स हीरोक लोगों के साथ, तो हीरोक भाई लोग एक्चुअली वो लोग मोतीनगर होके गए हैं और हम लोग आए हैं अमरागढ़ होके। वही कुछ कन्फ्यूजन रह गया कौन कहाँ से जा रहा है, तो वो लोग तो रिटर्न हो गए और अभी हम लोग रिटर्न होने के बाकी हैं। और यहाँ पर रखा है चीता को, दादा ने बीस को सामने लेके गए हैं। ठीक है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, आज का राइड मुझे याद रहने वाला है। सो ये देख सकते हो वाटरफॉल्स, और हम लोगों को लेके आया है सोनू भाई, देख सकते हो। और काफ़ी मज़ा आ रहा है देखो भाई, तो पानी इतना ठंडा है। तो भाई बहुत ही मज़ा आया आज, और ये वाटरफॉल्स का पानी भाई इतना ठंडा है क्या ही बताऊँ, मन तो कर रहा है यहाँ पर नहा लूँ अभी, लेकिन ज़्यादा लेट हो जाएगा। हीरो लोग तो दूसरे साइड पर गए थे एक्चुअली, तो वो लोग ने भी भुवन पहाड़ कहा था, और भुवन पहाड़ आने में दो रास्ता है, एक मोतीनगर होके और एक अमरागढ़ होके, और हम लोग अमरागढ़ होके आए इसी कारण भाई बिखर गए हम लोग। तो वो लोग वहाँ पर वेट कर रहे हैं, और ये देख सकते हो काफ़ी मज़ा, काफ़ी कूल।
ठीक है ठीक है। सो गाइस नाउ इट्स टाइम टू लीव दिस खूबसूरत सा प्लेस। और नहाने का बहुत ही मन था यहाँ पर, बहुत ठंडा पानी था, लेकिन भाई बहुत ही लेट हो चुके हैं हम लोग। फिलहाल अभी यहाँ से रिटर्न होते हैं, ठीक है चलो। सो गाइस बहुत ही मज़ा आया आज का ब्लॉग मुझे बनाने में और राइड करने में। तो क्या ही बताओ, सडन प्लान था, सडन प्लान में ऐसा ब्लॉग हुआ है, सडन प्लान में ऐसा राइड हुआ है। और हीरो लोग तो भाई मोतीनगर होके भुवन पहाड़ की तरफ गए हैं और हम लोग अमराघाट होके गए थे, इसी कारण थोड़ा मिसमैच हो गया हम लोगों के बीच। और हम लोग एक्चुअली म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने गए थे, ठीक है। तो इस ब्लॉग को यही एंड करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा इस ब्लॉग। और ब्लॉग देखते देखते अगर इतने तक पहुँच ही गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बिना कहीं मत जाना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, ठीक है।